Thank you. आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक कहानी प्रेम का उदय मेरी यानी कि प्रशांत की आवाज में भोंदू पसीने में तर लकड़ी का एक गट्ठा सर पर लिए हुए आया और उसे जमीन पर पटक करके बंटी के सामने खड़ा हो गया मानो कि पूछ रहा हो कि क्या अभी तेरा मिजाज ठीक हुआ नहीं संध्या हो गई थी फिर भी लू चला करती थी और आकाश पर गर्द छाई हुई थी प्रकृति रक्त शून्य देह की भांति शिथिल हो रही थी प्रातः प्रातःकाल घर से निकला था दोपहरी उसने एक पेड़ की छा में काटी थी समझा था कि इस तपस्या से देवी जी का मुंह सीधा हो जाएगा लेकिन आकर के देखा तो वह अब भी कोप भवन में थी भोंदू ने बातचीत छेड़ने के इरादे से कहा अरे लो अब एक लोटा पानी दे दो जरा बड़ी प्यास लगी है अरे मर गया सारे दिन बाजार में जाऊंगा तो दो तीन आने बैसी ना मिलेंगे हैं दो चार सैकड़े मिल जाते तो बस मेहनत सफल हो जाती बंटी ने सिरकी के अंदर से ही बैठे बैठे कहा हाँ हाँ धर्म भी लूटोगे और पैसे भी मुंह तो धोलो भोंदू ने भव्य से कोड़ करके कहा क्या धर्म धर्म भक्ति है धर्म करना हंसी का खेल नहीं है धर्म वह करता है जिसे भगवान ने माना हो हम क्या खा करके धर्म करेंगे भरपेट पेट ना तो मिलता नहीं धर्म करेंगे बंटी ने अपना वार ओछा पड़ते हुए देख करके चोट पर चोट कर दी संसार में बहुत ऐसे महात्मा हैं जो कि अपने पेट चाहे ना भर सके पर पड़ोसियों को नेवता देते फिरते हैं नहीं तो सारे दिन बन बन लकड़ी तोड़ते ना फिरते ऐसे धर्मात्मा लोगों को मेहरिया रखने की सूझती क्यों है यही मेरी समझ में नहीं आता धर्म की गाड़ी के अकेले नहीं खींचती बनती भोंदू इस चोट से तिल मिला गया उसकी जिरहदार नसें तन गई माथे पर बल पड़ गए थे इस अबला का वह एक ही डपट से बंद कर सकता था पर डांट डपट उसने सीखी ही नहीं थी जिसके पराक्रम की सारे कंजड़ों में धूम थी जो कि अकेला सौ पचास जवानों का नशा उतार सकता था वह इस अबला के सामने तक न कर सका दबी जुबान में बोला महरिया धर्म बेचने के लिए नहीं लाई जाती है धर्म का पालन करने के लिए लाई जाती है यह कंजड़ दंपत्ति आज तीन दिन से और कई कंजड़ परिवारों के साथ इस बाग में उतरा हुआ था सारे बाग में सिरकियां ही सिरकियां दिखाई देती थीं। उसी तीन हाथ चौड़ी और चार हाथ लंबी सिरकी के अंदर एक एक पूरा परिवार जीवन के समस्त व्यापारों के साथ कल्पवासा कर रहा था एक किनारे चक्की थी एक किनारे रसोई का स्थान एक किनारे दो एक अनाज के मटके और द्वार पर एक छोटी सी खटोली बालकों के लिए पड़ी हुई थी हर एक परिवार के साथ में दो दो भैंसें या फिर गधे थे जब डेरा कुछ होता था तो सारी गृहस्थी इन जानवरों पर लाद दी जाती थी यही इन कंजरों का जीवन था सारी बस्ती एक साथ चलती थी आपस में ही शादी ब्याह लेन देन झगड़े टंटे सब होते रहते थे इस दुनिया के बाहर का अखिल संसार उनके लिए केवल एक शिकार का मैदान मात्र था इनके किसी इलाके में पहुंचते ही वहां की पुलिस तुरंत आकर के इनको अपनी निगरानी में ले लेती थी पड़ाव के चारों तरफ चौकीदार का पहरा हो जाता था स्त्री या पुरुष किसी गांव में जाते तो दो चार चौकीदार उनके साथ में रहते थे रात को भी उनकी हाजिरी ली जाती थी फिर भी आसपास के गांव में आतंक छाया हुआ था क्योंकि कंजड़ लोग बहुधा घरों में घुसकर के जो चीज चाहते उठा ले जाते और उनके हाथ में जाकर के कोई भी चीज वापस कभी लौट ही नहीं सकती थी रात में ये लोग अक्सर चोरी करने को निकल जाते थे चौकीदारों को उनसे मिले रहने में ही अपनी कुशल दिखती थी कुछ हाथ भी लगता था और कुछ जान भी बची रहती थी सख्ती करने में प्राणों का भय था कुछ मिलने का तो जिक्र ही क्या क्योंकि कंजड़ लोग एक सीमा के बाहर किसी का दबाव मानते नहीं थे बस्ती में अकेला भोंदू अपनी मेहनत की कमाई खाता था मगर इसलिए नहीं कि वह पुलिस वालों की खुशामद नहीं कर सकता था उसकी स्वतंत्र आत्मा अपने बाहुबल से प्राप्त किसी वस्तु का हिस्सा देना स्वीकार न करती थी इसीलिए वह यह नौबत आने ही नहीं देता था बंटी को पति की यह आचार निष्ठा एक आंख न भाती थी उसकी और बहनें नई नई साड़ियां और नए नए आभूषण पहनती तो बंटी उन्हें देख करके पति की अकर्मण्यता पर कुड़ती थी इस विषय पर दोनों में ही कितने संग्राम हो चुके थे लेकिन भोंदू अपना परलोक बिगाड़ने पर राजी ना होता था आज भी प्रातःकाल यही समस्या आकर के खड़ी हो गई और भोंदू लकड़ी काटने जंगल को निकल गया था सैकड़े मिल जाते तो आंसू पुछ जाते पर आज सैकड़े भी ना मिले बंटी ने कहा जिनसे कुछ नहीं हो सकता ना वही धर्मात्मा बन जाते हैं रांड अपने मांड में ही खुश रहती है भोंदू ने पूछा तो मैं निकट्टू क्या बंटी ने इस प्रश्न का सीधा साधा उत्तर ना देकर के कहा मैं क्या जानूं कि तुम क्या हो मैं तो यही जानती हूं कि यहां धीरे धीरे की चीज के लिए तरसना पड़ता है यही मैं सबको पहनते ओढ़ते हंसते खेलते देखती हूं क्या मुझे पहनने ओढ़ने हंसने खेलने की साध नहीं है तुम्हारे पल्ले पड़कर ना जिंदगी नष्ट हो गई है भोंदू ने एक क्षण विचार मग्न रह करके कहा जानती है पकड़ ना तो कम से कम तीन साल की सजा होगी बंटी विचलित ना हुई वह बोली अरे जब और कोई नहीं पकड़ा जाता तो फिर तुम कैसे पकड़े जाओगे और लोग पुलिस को अपने साथ मिला लेते हैं थानेदार के पांव सहलाते हैं चौकीदार की खुशामद करते हैं तो, तो चाहती है कि मैं भी औरों की तरह चापलूसी करता फिरूं? बंटी ने अपना हट ना छोड़ा अरे मैं तुम्हारे साथ में यहां कोई सती होने को नहीं आई हूं फिर तुम्हारे छुरे गंडासे से कोई कब तक डरेगा जानवर को भी जब घास भूसा नहीं मिलता तो पघा तो करके किसी के खेत में बैठ ही जाता है मैं तो फिर भी आदमी हूं भोंदू ने इसका कोई जवाब नहीं दिया उसकी स्त्री कोई दूसरा घर कर ले यह कल्पना ही उसके लिए अपमान से भरी हुई थी आज बंटी ने पहली बार यह धमकी दी थी अब तक भोंदू इस तरफ से निश्चिंत था अब यह नई संभावना उसके सम्मुख उपस्थित हुई उस दुर्दिन को वह अपना काबू चलते अपने पास ना आने देगा। आज भोंदू की दृष्टि में वह इज्जत ना रही वह भरोसा नहीं रहा मजबूत दीवार को टिकोने की जरूरत नहीं जब दीवार हिलने लगती है तब हमें उसे संभालने की चिंता होती है आज भोंदू को अपनी दीवार हिलती हुई दिखाई दी आज तक बंटी अपनी थी वह जितना अपनी ओर से निश्चिंत था उतना ही उसकी ओर से भी निश्चिंत था वह जिस तरह खुद रहता था उसी तरह उसे भी रखता था जो खुद खाता था वही उसको भी खिलाता था उसके लिए कोई विशेष फिक्र नहीं थी पर आज उसे मालूम हुआ कि वह अपनी नहीं है अब उसका विशेष रूप से सत्कार करना होगा विशेष रूप से दिलजोई करनी होगी सूर्यास्त हो रहा था उसने देखा कि उसका गधा चर करके चुपचाप सिर झुकाए हुए चला आ रहा है भोंदू ने कभी उसकी खाने पीने की चिंता नहीं की थी क्योंकि गधा किसी और को अपना स्वामी बनाने की धमकी नहीं दे सकता था भोंदू ने बाहर आकर के आज गधे को पुचकारा उसकी पीठ सहलाई और तुरंत उसे पानी पिलाने के लिए डोल और रस्सी लेकर के चल दिया इसके दूसरे ही दिन कस्बे में एक धनी ठाकुर के घर में चोरी हो गई उस रात को भोंदू अपने डेरे पर नहीं था बंटी ने चौकीदार से कहा वो जंगल से नहीं लौटे अभी काल भोंदू आ पहुंचा उसकी कमर में रुपए की एक थैली थी कुछ सोने के गहने भी थे बंटी ने तुरंत गहनों को ले जाकर के एक वृक्ष की जड़ में काट दिया रुपयों की क्या पहचान हो सकती थी भोंदू ने पूछा अगर कोई पूछेगा कि इतने सारे पैसे कहां से आए तो क्या कहेगी बंटी ने आंखें नचा करके कहा अरे कह दूंगी कि क्यों बताऊं दुनिया कमाती है तो क्या किसी को हिसाब देती है हम ही क्यों अपना हिसाब दें भोंदू ने संदिग्ध भाव से गर्दन हिलाकर के कहा अरे यह कहने से गलाना छूटेगा बंटी तू कह देना कि मैं तीन चार मार्च से दो दो चार चार रुपए ऐसे जमा करते आई हूं और वैसे भी हमारा खर्च कौन सा बहुत बड़ा है दोनों ने मिलकर के बहुत सारे जवाब सोच निकाले जड़ी बूटियां बेचते हैं एक एक जड़ी के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर रुपए मिल जाते हैं खस जानवर की खालें नख और चर्बी सभी बेचते हैं इस ओर से निश्चिंत होकर के दोनों बाजार चले बंटी ने अपने लिए तरह तरह के कपड़े चूड़ियां टुकुलियां, बूंदे सेंदुर पान तंबाकू तेल और मिठाई ली फिर दोनों जने शराब की दुकान गए खूब शराब पी फिर दो बोतल शराब रात के लिए लेकर के दोनों घूमते घामते गाते बजाते घड़ी रात गए डेरे पर लौटे बंटी के पांव आज जमीन पर न पड़ते थे आते ही बंठन करके पड़ोसियों को अपनी छवि दिखाने लगी जब वह लौट करके घर पे आई और भोजन पकाने लगी तब पड़ोसियों ने टिप्पणियां करना शुरू की आ, देखो जरा कहीं गहरा बड़ा हाथ मारा है हाँ बड़ा धर्मात्मा बनता था पगला भगत है पगला भगत बंटी को तो देखो आज तो ऐसे लग रहा है जैसे हवा में उड़ रही हो या आज भोंदुबा का बहुत खातिर हो रहा है नहीं तो कभी तो एक लुटिया पानी देने को उठती नहीं थी रात में भोंदु को भी देवी की याद आ गई आज तक कभी उसने देवी की वेदी पर बकरे का बलिदान नहीं किया था पुलिस को मिलाने में ज्यादा खर्चा था कुछ आत्मसम्मान भी खोना पड़ता देवी जी केवल एक बकरे में ही राजी हो जाती हां उससे एक गलती जरूर हो गई थी कि उसकी बिरादरी के और लोग साधारणतया कार्य सिद्धि से पहले ही बलिदान दिया करते थे भोंदू ने यह खतरा ना लिया। जब तक माल हाथ में ना आ जाए उसके भरोसे पर देवी देवताओं को खिलाना उसकी व्यावसायिक बुद्धि को ना जचा। और उसे अपने कृत्य को गुप्त रखना भी चाहता था इसलिए किसी को सूचना भी ना दी यहां तक कि बंटी से भी ना कहा बंटी तो भोजन बना रही थी वह बकरे की तलाश में घर से निकल पड़ा बंटी ने उससे पूछा अब भोजन करने के समय कहां जा रहे हो अरे अभी आता हूं मत जाओ ना मुझे बहुत डर लगता है भोंदू स्नेह के नवीन प्रकाश से खिल करके बोला अरे मुझे देर ना लगेगी तो ना ये गंडासा अपने पास में रख ले उसने गंडासा निकाल करके बंटी के पास में रख दिया और निकल पड़ा बकरे की समस्या बेढप थी रात को बकरा कहां से ला था इस समस्या को भी उसने नए ढंग से हल किया पास की बस्ती में एक गढ़रिए के पास में कई सारे बकरे पले थे उसने सोचा कि वहीं से एक बकरा उठा लूंगा अब देवी जी को अपने बलिदान से मतलब है या कि इस बात से कि बकरा कहाँ से आया मगर बस्ती के पास ही पहुंचा था कि पुलिस के चार चौकीदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुश्कें बांध करके थाने ले चले बंटी भोजन पका करके अपना बनाव श्रृंगार करने लगी आज उसे अपना जीवन सफल मालूम पड़ता था आनंद से खिली जाती थी आज जीवन में पहली बार उसके सर में सुगंधित तेल पड़ा था आईना उसके पास एक पुराना अंधासा पड़ा हुआ था लेकिन आज वह नया आईना लेकर के आई थी उसके सामने बैठकर के उसने अपने केश सवारे मुंह पर उबटन मला साबुन लाना वैसे भूल गई थी अब साहब लोग साबुन लगाने से ही तो इतने गोरे हो जाते हैं साबुन होता तो उसका भी रंग कुछ और निखर जाता कल वह अवश्य ही साबुन की कई बट्टियां लेकर के आएगी और रोज लगाएगी केश गूंद करके उसने माथे पर आलसी का लोहाब लगाया जिसमें बाल ना बिखरने पाए फिर पान लगाए चूना थोड़ा ज्यादा हो गया था गलफड़ों में छाले हो गए थे लेकिन उसने सोचा कि शायद पान खाने का यही मजा है आखिर कड़वी मिर्च भी तो लोग मजे से खाते हैं गुलाबी साड़ी पहन करके और फूलों का गजरा गले में डाल करके उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसके आबनूसी रंग पर लाली दौड़ गई आप ही आप लज्जा से उसकी आंखें झुक गई दरिद्रता की आग से नारित्व भी भस्म हो जाता है नारित्व की लज्जा का क्या जिक्र मैले कुचैले कपड़े पहन करके लज्जाना ऐसा ही है जैसे कि कोई चबेने में सुगंध लगा करके खाए इस तरह से सजकर के बंटी भोंदू की राह देखने लगी जब अब भी वह न आया तो उसका जी झुंझलाने लगा रोज तो सांझ ही से द्वार पर पड़े रहते थे आज न जाने कहां जाकर के बैठे रहे शिकारी अपनी बंदूक भर लेने के बाद में इसके सिवा और क्या चाहता है कि शिकार सामने आ जाए बंटी के सूखे हृदय में आज पानी पड़ते ही उसका नारित्व अंकुरित हो गया झुंझलाहट के साथ में उसे चिंता भी होने लगी उसने बाहर निकल करके कई बार पुकारा उसके कंठ स्वर में इतना अनुराग कभी न था उसे कई बार भान भी हुआ कि भोंदू आ रहा है वह हर बार सिरकी के अंदर दौड़ाई और आईने में सूरत देखी कि कुछ बिगड़ न गया हो ऐसी धड़कन ऐसी उलझन उसकी अनुभूति से बाहर थी बंटी सारी रात भोंदू के इंतजार में उद्दिग्न रही जैसे जैसे रात बीतती जाती थी उसकी शंका तीव्र होती जाती थी आज ही उसके वास्तविक जीवन का आरंभ हुआ था और आज ही यह हाल हो गया प्रातः काल वह उठी तो अभी कुछ अंधेरा ही था इस रत जगह से उसका चित्त खिन्न और सारी देह अलसाई हुई थी रह, रह करके भीतर से एक लहर सी उठती थी आंखें भर भर आती थीं। सहसा किसी ने कहा अरे बंटी वो भोंदू रात में पकड़ा गया बंटी थाने पहुंची तो पसीने में तर थी और उसका दम फूल रहा था उसे भोंदू पर दया नहीं थी उल्टा क्रोध आ रहा था सारा जमाना यही काम करता है और चैन की बंसी बजाता है उन्होंने कहते कहते हाथ भी लगाया तो चूक गए नहीं सहूर था तो साफ साफ कह देते कि मुझसे यह काम होगा नहीं मैं थोड़े ही यह कहती थी कि आग में कूद पड़ो उसे देखते ही थानेदार ने उस पर धौस जमाई तो यही है बोंदवा की औरत चल पकड़ लो इसका बंटी ने हेकड़ी जताई हां हां पकड़ लो यहां किसी से डरते हैं क्या जब कोई बुरा काम किया नहीं तो काहे को डरे अफसर और माथहत सभी की अनुरक्त आंखें बंटी की ओर उठने लगी भोंदू की तरफ से लोग अब थोड़े से नरम हो गए थे उसे धूप से छह में बैठा दिया गया था उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और धूसरित काली देह पर भी जूतों और कोड़ों की रक्तमय मार साफ नजर आ रही थी उसने एक बार बंटी की ओर देखा मानो कि कह रहा था देखना कहीं इन लोगों के धोखे में ना आ जाना थानेदार ने उसे डांट लगाई अरे जरा इसकी दीदा दे ले रही तो देखो जैसे देवी है मगर इस फेर में ना रहना यहां तुम लोगों की मैं नस नस पहचानता हूं इतने कोड़े लगाऊंगा कि चमड़ी उड़ जाएगी तेरी नहीं तो सीधे से कबूल ले सारा माल लौटा दे इसी में खैरियत थे तेरी भोंदू ने बैठे बैठे कहा क्या कबूल ले? जो देश को लूटते हैं उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता बेचारे अपनी गाड़ी कमाई की रोजी रोटी खाते हैं उनका गला काटने के लिए ये पुलिस भी तैयार रहती है हमारे पास किसी की नजर फेंट देने के लिए कोई पैसा नहीं है थानेदार ने कठोर स्वर में कहा हा हा जो कोर कसर रह गई है ना पूरी कर दे किरकिरी ना होने पाए मगर इन बैठकबाजियों से बच नहीं सकता तू तो। अगर इकबाल ना किया ना तो तीन साल के लिए अंदर जाएगा मेरा क्या बिगड़ता है छोटे से जरा लाल मिर्च की धुनी तो देस को कोठरी में बंद करके पसेरी भर मिर्चे सुलगा दे अभी माल परामत होता है भोंदू ने ढिठाई से कहा दरोगा जी बोटी बोटी काट डालो लेकिन कुछ हाथ ना आएगा तुम्हारे तुमने मुझे रात भर पिटवाया है मेरी एक ही हड्डी चूर चूर हो गई है अरे कोई दूसरा होता तो अब तक ऊपर से धार गया होता तुम क्या समझते हो कि आदमी को रुपए पैसे जान से ज्यादा प्यारे होते हैं अरे, जान ही के लिए तो आदमी सब कुछ गर्म करता है धुनी सुलगा के भी देख लो दरोगा जी को अब विश्वास आ गया कि इस फौलाद का झुकना मुश्किल है भोंदू की मुखाकृति से शहीदों का सा आत्मसमर्पण झलक रहा था यद्यपि उनके हुक्म की तामील होने लगी कांस्टेबलों ने भोंदू को एक कोठरी में बंद कर दिया दो आदमी मिर्चें लाने के लिए दौड़ पड़े लेकिन दरोगा की युद्ध नीति अब बदल गई थी बंटी का हृदय क्षोभ से फटा जाता था वह जानती थी कि चोरी करके इकबाल कर लेना कंजड़ जाति की नीति में महान लज्जा की बात है लेकिन क्या यह सचमुच मिर्च की धुनी सुलगा देंगे इतना कठोर है इनका हृदय सालन बघारने में कभी कभी जरासी मिर्च जल जाती है तो छींकों और खांसियों के मारे दम निकलने लगता है जब नाक के पास में धुनी सुलगाई जाएगी तब तो प्राण ही निकल जाएंगे उसने जान पर खेल करके कहा दरोगा जी तुम समझते हो कि इन गरीबों की पीठ पे कोई नहीं है लेकिन मैं कह देती हूं हाकिम से रत्ती रत्ती हाल कह दूंगी भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो नहीं तो इसका हाल बहुत बुरा होगा थानेदार ने मुस्कुरा करके कहा तुझे क्या वो मर जाएगा तो किसी और के नीचे बैठ जाइए <laughs> जो कुछ जमा था वो लाया होगा वो तेरे पास ही तो रहेगी ना अरे क्यों नहीं इकबाल करके उसको छुड़ा लेती देख मैं वादा करता हूं कि मुकदमा ना चलाऊंगा सब माल लौटा दे चुपचाप तूने ही उसको ये मंत्र दिया होगा हैं ये देख गुलाबी साड़ी पान खुशबूदार तेल हैं इस सब के लिए तूने ही उसको लालच दिया होगा उसकी इतनी सांसत हो रही है और तू खड़ी देख रही है शायद बंटी की अंतरात्मा को यह विश्वास ना था कि ये लोग इतने अमानुष्य अत्याचार कर सकते हैं लेकिन जब सचमुच धूनी सुलगा दी गई और मिर्च की तीखी जहरीली झार फैली और भोंदू के खांसने की आवाजें कानों में आईं, तो उसकी आत्मा कातर हो उठी उसका वह तो साहस झूठे रंग की भांति उड़ गया उसने दारोगा जी के पांव पकड़ लिए और दीन भाव से बोली मालिक मुझ पर दया कर तो मैं सब कुछ लौटा दूंगी धोनी उसी वक्त हटा ली गई भोंदू ने शंकित होकर के पूछा अरे धोनी क्यों हटाता है एक चौकीदार ने कहा अरे तेरी औरत ने इकवाल कर लिया है भोंदू की नाक आंख और मुंह से पानी जारी था सर चक्कर खा रहा था और गले की आवाज बंद सी हो गई थी पर वह वाक्य सुनते ही वह सचेत हो गया उसकी दोनों मुठ्ठियां बंद गईं और वह बोला क्या कहा क्या कहा अबे चोरी खुल गई है दरवाजी माल बरामद करने के लिए गए हैं पहले ही इकबाल कर लिया होता तो तू इतना पिटता क्यों भोंदू ने गरज करके कहा अरे वो झूठ बोलती है वहां माल बरामद हो, तो हो गया और तुम अपनी ही गा रहे हो परंपरा की मर्यादा को अपने हाथों से भंग होने की लज्जा से भोंदू का मस्तक झुक गया इस घोर अपमान के बाद में अब उसे अपना जीवन दया घृणा और तिरस्कार इन सभी दशाओं से निखित जान पड़ता था वह अपने समाज में पतित हो गया था सहसा बंटी आकर के खड़ी हो गई और कुछ कहना ही चाहते थे कि भोंदू की रौद्र मुद्रा देख करके उसकी जबान बंद हो गई उसे देखते ही भोंदू की आहत मर्यादा किसी आहत सर्प की भांति तड़प उठी उसने बंटी को अंगारों से तपती हुई लाल आंखों से देखा उन आंखों में हिंसा की आग जल रही थी बंटी सर से पैर तक कांप उठी वह उल्टे पैर वहां से भागी किसी देवता के अग्निबाण के समान वे दोनों अंगारे सी आंखें उसके हृदय में चुभने लगी थाने से निकल करके बंटी ने सोचा कि अब कहां जाऊं भोंदू उसके साथ में होता तो वह पड़ोसियों के तिरस्कार को सह लेती इस दशा में उसके लिए अपने घर जाना भी असंभव था वे दोनों अंगारे की सी आंखें उसके हृदय में चुभी जाती थीं, लेकिन कल की सौभाग्य विभूतियों का मोह उसे डेरे की ओर खींचने लगा शराब की बोतल अब भी भरी हुई धरी थी फुलौड़ियां छींके पर हांडी में धरी थी वह तीव्र लालसा जो कि मृत्यु को सम्मुख देख करके भी संसार के भोग्य पदार्थों की ओर मन को चलायमान कर देती है उसे खींच करके डेरे की ओर ले चली दोपहर हो गया था वह पहाड़ पर पहुंची तो सन्नाटा छाया हुआ था अभी कुछ देर पहले जो स्थान जीवन का क्रीड़ा क्षेत्र बना हुआ था बिल्कुल निर्जन हो गया था बिरादरी वालों के तिरस्कार का सबसे भयंकर रूप था सभी ने उसे त्याज्य समझ लिया था केवल उसकी सिर की उस निर्जनता में रोती हुई खड़ी थी बंटी ने उसके अंदर पांव रखे तो उसके मन की कुछ वही दशा हुई जो कि अकेला घर देख करके किसी चोर की होती है कौन कौन सी चीज समेटे उस कुटी में उसने रो रो करके पांच साल काटे थे पर आज उसे उससे वही ममता हो रही थी जो कि किसी माता को अपने दुर्गुणी पुत्र को देख करके होती है जो कि बरसों के बाद में परदेश से लौटा हो हवा से कुछ चीजें इधर उधर हो गई थीं उसने तुरंत उन्हें संभाल करके रखा फुलौड़ियों की हांडी छींके पर कुछ ठंडी हो गई थी शायद उस पर बिल्ली झपटी थी उसने जल्दी से हांडी उतार करके देखा फुलौड़ियां अछूती थी पान पर जो गीला कपड़ा लपेटा था वह जरूर सूख गया था उसने तुरंत कपड़ा फिर से गीला कर दिया किसी के पांव की आहट पाकर के उसका कलेजा धक से रह गया भोंदू आ रहा है क्या उसकी वह दोनों अंगारे की सी आंखें याद करके उसके रोए खड़े हो गए भोंदू के क्रोध का उसे एक दो बार अनुभव हो चुका था लेकिन उसने दिल को मजबूत किया कि क्यों मारेगा कुछ कहेगा कुछ पूछेगा कुछ सवाल जवाब करेगा कि ऐसे ही गंडा सा चला देगा उसने उसके साथ में कोई बुराई तो की नहीं आफत से उसकी जान बचाई मरजात जान से प्यारी नहीं होती भोंदू को होगी उसे नहीं है क्या इतनी सी बात के लिए वह उसकी जान ले लेगा उसने सिरकी के द्वार से झांका। बोंदू तो नहीं था केवल उसका गधा चला रहा था बंटी आज उस अभागे गधे को देख करके ऐसी प्रसन्न हुई मानो कि अपना कोई भाई नहर से बतासों की पोटली लिए हुए थका मादा चला आता हो उसने जाकर के उसकी गर्दन सहलाई उसके थूथन को अपने मुंह से लगा लिया वह उसे फूटी आंखों भी नभाता था पर आज उसे उससे कितनी आत्मीयता हो गई थी वह दोनों अंगारे की सी आंखें उसे घूर रही थीं। वह सिरह उठी उसने फिर से सोचा कि क्या किसी तरह से छोड़ेगा नहीं वह रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ेगी क्या तब भी ना छोड़ेगा इन आंखों की वह कितनी सराहना किया करता था इनमें आंसू बहते देख करके भी क्या उसे दया ना आएगी बंटी ने चुक्कड़ में शराब उड़ेल करके पी ली और छींके से फलौड़ियां उतार करके खाई वह दोनों अंगारे की सी आंखें उसके सामने चमक रही थी दूसरा चुक्कड़ उसने भरा और पी गई जहरीला ठर्रा जिसे दोपहर की गर्मी ने और भी घातक बना दिया था देखते ही देखते उसके मस्तिष्क को खौलाने लगा बोतल आधी हो गई थी उसने सोचा कि भोंदू कहेगा कि तूने इतनी दारू क्यों पी तो वह क्या कहेगी कह देगी कि हां क्यों ना पिए इसी के लिए तो वह सब कुछ हुआ है वह एक बूंद भी ना छोड़ेगी जो होना हो हो जाए बूंद उसे मार तो नहीं सकता इतना निर्दयी नहीं है इतना कायर नहीं है उसने फिर भरा और पी गई पांच वर्ष के वैवाहिक जीवन की अतीत स्मृतियां उसकी आंखों के सामने खिंच गई सैकड़ों ही बार दोनों में ग्रह युद्ध हुए थे आज बंटी को हर बार अपनी ज्यादती मालूम हो रही थी बेचारा जो कुछ कमाता है उसी के हाथों पर रख देता है अपने लिए कभी एक पैसे की तंबाकू भी लेता है तो पैसा उसी से मांगता है भोर से सांझ तक बन बन फिरा ही तो करता है जो काम उससे नहीं होता वह कैसे करे यकायक एक कांस्टेबल ने आकर के कहा अरे बंटी तू अरे चल करके देख वो भोंदुआ का हाल बेहाल हो रहा है अभी तक तो चुपचाप बैठा हुआ था फिर न जाने क्या उसके जी में आया कि वो पत्थर उसने अपने सर पर पटक लिया लहू बहरा उसका अगर हम लोग दौड़ करके उसे पकड़ नहीं लेते ना तो तो जान ही दे देता अब एक महीना बीत गया था संध्या का समय था काली काली घटाएं छाई हुई थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी भोंदू की सिरकी अब भी निर्जन स्थान पर खड़ी थी भोंदू खटोली पर पड़ा हुआ था उसका चेहरा पीला पड़ गया था और देह जैसे सूख गई थी वह सशंक आंखों से वर्षा की ओर देखता है चाहता है कि उठकर के देखूं पर उठा नहीं जाता पंटी सर पर घास का एक बोझ लिए हुए पानी में लथपथ आती हुई दिखाई दी वही गुलाबी साड़ी है पर तार तार किंतु उसका चेहरा प्रसन्न है विषाद और ग्लानी के बदले आंखों से अनुराग टपक रहा है गति में वह चपलता अंगों में वह सजीवता है जो कि चित्त की, चित की शांति का चिन्ह है भोंदू ने दबे हुए स्वर में कहा तो इतना भीग रही है बीमार पड़ जाएगी तो फिर तो मुझे कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला न रहेगा मैं तो कहता हूं क्यों इतना मरती है दो गट्ठे तो बेच चुकी ना अब तीसरा गट्ठा लाने का क्या जरूरत था और यह हांडी में क्या लेके आई बंटी ने हांडी को छिपाते हुए कहा कुछ तो नहीं ऐसी हांडी है भोंदू जोर लगा करके खटोली से उठा अंचल के नीचे छिपी हुई हांडी उसने खोल दी उसके भीतर नजर डाल करके बोला आ भी लौटा नहीं तो मैं यह हांडी फोड़ दूंगा बंटी ने धोती से पानी निचोड़ते हुए कहा जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो घी दूध कुछ ना मिलेगा तो कैसे उठोगे कि हमेशा ही खाट पे सोने का विचार है भोंदू ने खटोली पर लेटते हुए कहा अपने लिए तो एक साड़ी भी लेकिन आई तू तो। कितना कह, कह कह के हार गया मैं मेरे लिए घी और दूध अरे ये घी मैं ना खाऊंगा बंटी ने मुस्कुरा करके कहा इसीलिए तो घी खिलाती हूं कि तुम जल्दी से काम धंधा करने लगो और मेरे लिए साड़ी लेकर के आओ भोंदू ने मुस्कुरा करके कहा तो हाथ जाकर के फिर कहीं चोरी करो क्या बंटी ने उसके गाल पर एक ठोकर देकर के कहा पहले मेरा गला काट देना फिर जाना